भेज आती। अच्छा थोड़ा सा कलर व्हील आप देख लें, ये जो तीन तीन कलर साथ है ना, ये जो एक तरफ तीन कलर्स हैं दूसरी तरफ तीन कलर्स हैं, ये जो है ना तीन तीन जो साथ हैं कलर्स, ये आपस में फ्रेंड्स हैं। लेकिन जो एक दूसरे के अपोजिट है ना, ये दुश्मन है एक दूसरे के, एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। तो जो एक साइड है वो जो तीन साथ हैं वो फ्रेंड्स, वो जो अलग साइड है वो एक दूसरे के दुश्मन है। और हमने जो हाइड करना होता है, अपने फ्लॉज को काटना होता है, तो हम ऑफकोर्स सी बात है कि अपना दुश्मन इस्तेमाल करेंगे। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाती हूँ कि ये ऑरेंज कलर है, ये ब्लू को काटेगा। जो हमारे डार्क सर्कल्स होते हैं ना, बेसिकली उनका जो अंडरटोन होता है वो ब्लू होता है, ठीक है। वो यहाँ पे ब्लड की क्लॉटिंग होती है तो वो ब्लू उसका अंडरटोन होता है, लेकिन वो इतना डार्क होता है तो वो हमें ब्लैक लगता है। तो ऑरेंज जो है वो ब्लू को काटेगा, ठीक है। तो आपने ये दिमाग में रखना है कि डार्क कलर जो होगा, ब्लैक डार्क स्पॉट्स जो होंगे हमारे, वो ऑरेंज काटेगा, ठीक है, ब्लू को ऑरेंज काटेगा। और ये नहीं कहना आपने कि वो तो ब्लैक कलर होता है, तो जो डार्क सर्कल्स का अंदर से अंडरटोन होता है वो ब्लू होता है, ठीक है। तो इस तरह का कलर करेक्टर होता है ऑरेंज कलर का, जिससे हम अपने डार्क सर्कल्स को छुपाते हैं, डार्क स्पॉट्स को छुपाते हैं। बहुत सारी स्किन कहीं पे डार्क होती है, कहीं पे वाइट फेयर होती है, तो उस तरह से आपने उसके साथ इसको छुपाना है, सही है। तो ये रेड है, इसको कौन काटेगा? ग्रीन काटेगा, इसका दुश्मन ग्रीन। देखें जो साथ साथ कलर है ना, एक दूसरे के अपोजिट में है, वो उसको काटेगा। तो जो डार्क रेड कलर के या एक्टिव जो हमें पिंपल होते हैं, एक्नी होती है, उसको कौन काटेगा? ग्रीन कलर काटेगा, ग्रीन कलर का कलर करेक्टर काटेगा। उसके बाद जो ये पर्पल है, वो जो येलो स्पॉट्स होते हैं स्किन पे, उसका मैं आपको अलग से बताती हूँ कि पर्पल का बेसिकली क्या काम है। आप जान लें कि जो ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर होता है वो क्यों यूज़ किया जाता है। ऐसी स्किन होगी अगर, तो आप ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर यूज़ करोगे, ठीक है, ऑरेंज कलर का। अगर ऐसी स्किन होगी, इस तरह की होगी, डार्क सर्कल्स हैं कहीं के, कहीं पे डार्क स्पॉट्स हैं, कोई फेस जो है फेयर है कहीं पे, कहीं डार्क है, तो इस तरह से आप जो है वो इसको कलर करेक्ट करोगे ऑरेंज के साथ, ठीक है। अगर थोड़े से हल्के फुल्के से डार्क स्पॉट्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं, तो इतना ज़्यादा ऑरेंज कलर का आपने कलर करेक्टर नहीं लगा लेना, बिल्कुल जो है ना हल्का सा लगाना है, बिल्कुल हल्का ऑरेंज हो तो आपने लगाना है, ठीक है। ये मैं साथ साथ स्किन आपको शो करती जा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि कौन सा फेस किस चीज़ पे जो है वो लगेगा, ठीक है ना। अब बहुत सारे फेसेस ऐसे भी होते हैं जिन पे वो सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, रेड निशान भी होते हैं, डार्क स्पॉट्स भी होते हैं, तो उन पे वो सारी चीज़ें लगेंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको समझाती जा रही हूँ कि इस तरह की स्किन पे ये चीज़ें लगेंगी। अगर एक फेस है उस पे रेडनेस भी है, डार्कनेस भी है, तो वो सारे कलर करेक्शन के शेड लगेंगे। ऐसा नहीं कि आपने बस एक मैंने कह दिया डार्क स्पॉट है तो बस ऑरेंज ही लगाना, ऐसा नहीं है, सारे फिर कलर्स लगेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर आपकी स्किन ऐसी है, अगर थोड़े से भी रेड निशान हैं जो मेकअप से आपके छुपते नहीं हैं बिल्कुल, और इस तरह से आपको ना स्कार्स हैं, जो एक्नी स्कार्स होते हैं, ठीक है, या एक्टिव पिंपल हैं आपको, एक्टिव एक्नी है, तो ग्रीन कलर का जो है वो कलर करेक्टर आप यूज़ करोगे उस इफ़ेक्टेड एरिया पे सिर्फ। ऐसे नहीं कि पूरे फेस पे अप्लाई करना है, सिर्फ इफ़ेक्टेड एरिया पे, या फिर इस तरह का जो है वो ग्रीन आप यूज़ करोगे। ये आपको मैं बनाना भी बता दूँगी, आप ना भी बाएँ करें तो इट्स ओके। तो ये एले गर्ल प्रो, ये ओरिजिनल नहीं है लेकिन बहुत अच्छा काम करता है, और इस तरह की स्किन को भी यही हाइड करेगा, ठीक है ना। तो आपने कोई और कलर करेक्टर का शेड यूज़ नहीं करना क्योंकि वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि एनिमी, जैसे मैंने आपको बताया था कि रेड को ग्रीन काटेगा क्योंकि वो उसका दोस्त नहीं, दुश्मन है, सही है। और इस तरह से पिंपल हो तब भी आप जो है यही कलर करेक्टर यूज़ करोगे, यही शेड यूज़ करोगे, कंपनी जोनसी भी हो, खुद बना लो आप भी, तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब एक बात मैं आपको बता दूँ यहाँ पर बहुत नोट करने वाली, अगर आपका कलर फेयर है, फेयर कलर में है, और आपका टोन जो है वो पिंक है, मतलब पिंकी टाइप की, आप येलो आपका अंडरटोन नहीं है, तो आप पीच कलर का जो है ना वो यूज़ करोगे अपने डार्क सर्कल्स वगैरह को छुपाने के लिए, या आपकी कोई क्लाइंट है उसके डार्क सर्कल्स को छुपाने के लिए आप पीच कलर का कलर करेक्टर यूज़ करोगे। और अगर आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सी येलो अंडरटोन में है, डार्क में आ जाती है, येलो में आती है, तो फिर आप ऑरेंज यूज़ करोगे। ये जो ऑरेंज कलर का एले गर्ल प्रो का जो है ना ऑरेंज कलर करेक्टर, काफ़ी डार्क ऑरेंज है, बहुत ज़्यादा जो डार्क स्किन होती है ना उस पे यूज़ होता है। तो अगर आपका इस तरह का कोई कलर करेक्टर है तो आप इसके अंदर फाउंडेशन मिक्स करके ना इसके टोन को ज़रा मीडियम कर लो,
ठीक है ना, आपका इफेक्टेड एरिया डार्क है ना, यानी डार्क सर्कल्स आपको बहुत ज्यादा है, तो उतना ही डार्क ऑरेंज कलर यूज करोगे, ठीक है, जितना कम है उतना लाइट ऑरेंज। बात आप जहन में बिठा दें कि डार्क बहुत है तो बहुत डार्क कलर ही यूज होगा। तो बच्चों हमने क्या सीखा, ऑरेंज कलर जो है वो डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट्स और डार्कनेस के रिमूव काटने के लिए उसको हम यूज करते हैं। ग्रीन जो है वो हम रेडनेस और रेड स्पॉट्स, एक्टिव पिंपल, एक्टिव एक्नी के लिए होती है, ठीक है। उसके बाद जो पर्पल है वो येलो स्पॉट्स और जो है डिसकलरेशन के लिए होती है, ठीक है। मैं आपको पर्पल कलर करेक्टर का यूज़ बता दूँ, इस तरह की अगर स्किन है, डल स्किन होती है ना जो